ए बेटा नीरज, एक बार हमने के समधी जी से मिले के चले के चाहिए। अब ओकर जरूरत ना पड़ी बाबूजी, जेल की जरूरत नहीं के। आए बहू से भेंट भइल ना बाबू। माई ओहन लोग हमरा के दीपिका से मिले ना दिलान जा। लेकिन उनको बाबूजी तो मिला लो यहाँ, वो का कहना भैया? और लोग चाहत रहे कि हम अपने दिल के बदले धड़कन से सौदा करें। ए तोर कहे के मतलब का है रे? मैं उनका कहला के मतलब ही बाकी हम अपना बेटा हंसू के अनाथाश्रम में छोड़ दें और उकरा बदले हम दीपिका के घर लेके। छी, इतना घटिया सोच एगो छोट बच्चा खातिर। नेता बने ना बाबूजी, घटियापन तो उनके सोच में बा। ए जी, इतना नीचे क्यों कैसे गिर सकेला? दीपिका मेरी बात सुनो, लाइफ में बैड इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, अब मुझे ही ले लो। मेरी दो बीवियाँ, दोनों ने मुझे तलाक दिया, मगर तलाक की वजह से मैंने कभी काम बंद नहीं किया, काम हमेशा करता रहा। सर मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए ना। 1 वीक? मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी सर। ओके, एज यू विश। ओके बाय सर। बाय। कुछ ना बेटा, सब ठीक हो जाए। सुना तानी जी, जल्दी आई। आलमारी आई, जल्दी आई। अरे आ गई, उठा काबिल। देखी ना दीपिका के पेट में दर्द होता है, जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो। कुछ ना, चला आराम से, संभाल के, आराम से बेटा। अरे गाड़ी निकाल। काबिल रुक, सब बैठिए। काबिल, पेशेंट को सर्विकल कैंसर है। कैंसर? देखिए घबराइए मत, ये बच्चेदानी का कैंसर होता है। ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकालकर हम पेशेंट को बचा लेंगे, लेकिन इसके बाद पेशेंट कभी मां नहीं बन पाएगी। हमरा बेटी की बचा लिया बस। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है। प्रधान जी, हौसला रखिए, बिटिया जल्दी ठीक हो जाइए। मिठू, एक बेटा के ओकरा बाप से अलग कल चाहत रहे, ऐसे भगवान हमरा बिटिया की सजा देना। समझ में ना होता कि दामाद जी से कौना मुझसे माफी मांगा। रवा ये सब काहे सोचत बानी? बाबूजी, माई का भेल दीपिका के? ठीक बड़ी ना दामाद जी? दामाद जी, दीपिका बिटिया के ऑपरेशन चल रहा है, उनकर बच्चे दानी निकालल जा रहा है, कब्बो माही ना बन सकेली। कमाची, हमके माफ कर दा, हमरा करनी के सजा हमरा बिटिया भोग रहल बिया, अब कौन हम उसे तोरा से माफी मांगी। कमाची माफ कर दा बाबू। बाबूजी माफ कर दा। बाबूजी समारी हमरा के ये माफी मांग के हमरा के शर्मिंदा मत करी बाबूजी। बाबूजी हम चाहते नहीं कि दीपिका के अच्छा से ऑपरेशन हो जाओ, उनकर के हम अपना घर लेके जाए। बाबूजी ओजा तो पूरा परिवार बा उनकर देखभाल करे खातिर। अब चिंता मत करी कि बेटा जैसन तोर मर्जी, ले जा अपना साथ।
ना ना, आराम से ए जी। डॉक्टर साहब का लान कि हम कभी माना बन सके। सुनो ना, इन्हें देखा पता पता रखे। इस समाज वाला लोग, ये दुनिया वाला लोग था कहलन की एक औरत अपना जिंदगी में तबे संपूर्ण हो ले जब वो माई बने ले। लेकिन ना दीपिका, ना हमें बात के कुल ना मानी ले, बिल्कुल हमें बात से सहमत ना रखी ले। और तो और देखा जाओ तो तू अपना माई बाबूजी खातिर एगो लड़की के रूप में बढ़ू, और तू हमारा खातिर एगो पत्नी के रूप में संपूर्ण बढ़ू एक ना। और हाँ, तहरा के अपन इस समाज वाला लोगन के, अपन दुनिया वाला लोगन के सामने अपन संपूर्णता के प्रूफ नहीं के देला के जरूरत बिल्कुल ना। तू माई ना बनबू ए बात के लेके तहरा प्रति ना हमार कौनो व्यवहार बदली और ना ही हमारे परिवार वाला लोगन के, तो चिंता मत करो। ये वादा बा तहरा से हमार, वादा बा। भगवान पे विश्वास रखा।